नमस्कार, आइए तो देखते हैं क्या है ब्लेंडर में नया इस बार। तो इसी बात के साथ मैं आपको दिखा रहा हूँ कि मैंने क्या क्या सेटअप करके रख लिया है। एक क्यूब लिया है, एक प्लेन लिया है और एक लाइट लेके रखा है। और लाइट में एक चीज खास मैंने करके रखी है कि यहाँ पर, क्योंकि मैं ईवी रेंडर इंजन इस्तेमाल कर रहा हूँ, यहाँ पर रेंडर प्रॉपर्टीज में ईवी रेंडर इंजन इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो मैं ऑब्जेक्ट डेटा प्रॉपर्टीज में जा रहा हूँ और यहाँ पे कॉन्टैक्ट शेडोज को क्लिक करके रख रहा हूँ, ताकि आप अगर यहाँ पर देखो तो ये कॉन्टैक्ट शेडोज हमें मिल जाए। साथ ही साथ अभी हम देखेंगे रेंडर प्रॉपर्टीज में, जो हमारा ईवी रेंडर इंजन के पहले नीचे पहला पैरामीटर दिया गया है, एम्बियंट ऑक्लूजन। ये क्या होता है एम्बियंट ऑक्लूजन? अगर मैं एम्बियंट ऑक्लूजन अगर टाइप करके सर्च करता हूँ, तो यहाँ पर हमें जो है ये कुछ ऐसे रेंडर्स मिलते हैं जहाँ पे कॉन्टैक्ट शेडोज मिलते हैं, चीज़ जहाँ पे कॉन्टैक्ट हो रही है उसकी शेडो मिलती है। और यही एक ऐसा पास है जिसकी वजह से आपका रेंडर का रियलिज्म बढ़ जाता है। तो यहाँ पे अगर मैं एम्बियंट ऑक्लूजन पे टिक कर रहा हूँ, यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको शेडो, कॉन्टैक्ट शेडोज दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, पहले तो वर्ल्ड प्रॉपर्टीज में जाता हूँ और वर्ल्ड में शेडोज की जो इंटेंसिटी है थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ, ताकि हम एम्बियंट ऑक्लूजन को और अच्छी तरह से देख पाएँ। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे आता हूँ रेंडर प्रॉपर्टीज में और एम्बियंट ऑक्लूजन को जो है हम एक्सपैंड कर लेते हैं, देख लेते हैं कि हमें क्या क्या फीचर्स एक्स्ट्रा दे के रखे हैं। तो एम्बियंट ऑक्लूजन जैसे ही आप एक्टिवेट करते हो तो कॉन्टैक्ट शेडोज आपके एक्टिवेट हो जाते हैं। डिस्टेंस कि वो कितने दूर तक जाना चाहिए, अगर हमने डिस्टेंस कम रखा तो उसका जो घेरा है वो कम रहेगा, और अगर मैंने डिस्टेंस बढ़ा दिया तो उसका जो घेरा है बढ़ जाता है। फैक्टर कि वो कितना होना चाहिए, कितनी उसकी इंटेंसिटी होनी चाहिए। अगर मैंने यहाँ पे एम्बियंट ऑक्लूजन कुछ इस वैल्यू पे रख लिया और यहाँ पे फैक्टर को अगर मैंने चेंज करने की कोशिश की, तो वो डिफाइन करता है कि एम्बियंट ऑक्लूजन कितना स्ट्रांग होना चाहिए। और ट्रेस प्रिसीजन जो है, यहाँ से जो नीचे वैल्यूज है ये डिफॉल्ट वैल्यूज पे रखना ही बहुत काम में होता है, पर वो क्या करता है वो बता देता हूँ मैं। प्रिसीजन ऑफ होराइजन सर्च, तो वो क्या करता है, जो सर्च कर रहा है जहाँ पे भी हमारा एम्बियंट ऑक्लूजन है, वो कितने प्रिसाइजली सर्च करना चाहिए वो डिफाइन करता है हमारा ये वाला पैरामीटर। बेंट नॉर्मल्स है, तो ये क्या डिफाइन करता है कि आपके जो सैंपल्स हैं एनवायरनमेंट में वो कितने अच्छी तरह से यूटिलाइज हो जाए एम्बियंट ऑक्लूजन के लिए, वो डिफाइन करता है बेंट नॉर्मल्स, इन्हें ऑन रखना ही बेहतर है। और बाउंस अप्रोक्सीमेशन, जो लाइट बाउंस हो रहा है यहाँ पे, अगर आप देखोगे, अगर मैं लाइट बाउंस ऑफ करता हूँ तो जो एम्बियंट ऑक्लूजन है वो बहुत प्रोमिनेंट होके दिखता है। अगर मैं डिस्टेंस थोड़ा सा बढ़ाता हूँ तो ये बहुत प्रोमिनेंट होके दिखता है, वही बाउंस अप्रोक्सीमेशन कर रहा हूँ। तो वो क्या कर रहा है कि लाइट जो है टकरा रहा है हमारे ग्राउंड से, जो ग्राउंड प्लेन है उससे टकरा रहा है, फिर बाउंस हो रहा है, पॉइंग बोल के बाउंस होगा, और दीवार से टकराएगा इस क्यूब के, फिर बाउंस होगा, इस शेडो में बाउंस हो जाएंगे, काफ़ी सारे बाउंसेस हो जाते हैं। और अगर हमने ये बाउंस अप्रोक्सीमेशन नहीं रखा तो एम्बियंट ऑक्लूजन थोड़ा प्रोमिनेंट होके दिखता है, जो कि रियलिस्टिक नहीं है। बाउंस अप्रोक्सीमेशन एक बहुत ही बेस्ट अल्टरनेटिव है जिसकी वजह से एम्बियंट ऑक्लूजन बहुत ही अच्छा दिखता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अगर आप मुझे फाइनेंशियली सपोर्ट करना चाहते हो तो पैट्रियन पेज मैंने बना के रखा है, गूगल डिस्क्रिप्शन में आपको उसकी लिंक मिल जाएगी, या फिर आप गूगल पे, फ़ोनपे, पेटीएम द्वारा मुझे फाइनेंशियली सपोर्ट कर सकते हो। फ़ोन नंबर मैंने डिस्क्रिप्शन में दे के रखा है। तब तक आप इन चीज़ों को देखिए, जानिए, समझिए, पर साथ में लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। तब तक के लिए मैं आपका इंतज़ार करता हूँ अगले वीडियो में।